हेलो जूनियर्स, मेरा नाम कुसुम है और आज के इस वीडियो में हम इकोनॉमिक्स का पोर्शन डिस्कस करेंगे जो BHU BA आर्ट्स के एंट्रेंस एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। और आज का हमारा मेन टॉपिक होगा बजट 2021। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे RBI, ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस, स्टॉक मार्केट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। उनके अलावा भी कुछ और क्वेश्चंस, ये सब हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आप ये इंश्योर कीजिए कि आपने BHU स्टडी कैपिटल को सब्सक्राइब कर दिया है। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कोर्सेज के डिटेल्स और ऐप का लिंक मिल जाएगा। आप ऐप को डाउनलोड कीजिए, कोर्सेज को चेकआउट कीजिए। अगर आपको पसंद आए तो ज्वाइन कीजिए और अपने एंट्रेंस एग्जाम के प्रिपरेशन को एक अच्छा खासा बूस्ट दीजिए। तो आज का पहला सवाल है कि यूनियन बजट जो हर साल सरकार द्वारा लाई जाती है वो कहाँ प्रेजेंट की जाती है। ऑप्शंस हैं राज्यसभा, सुप्रीम कोर्ट, लोकसभा या फिर ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट। तो इसका सही जवाब तो है लोकसभा। लोकसभा को हम हाउस ऑफ पीपल भी कहते हैं या लोअर हाउस भी कहते हैं। और इंडिया की जो हमारी पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो बाइकैमरल है, और ये बाइकैमरल पार्लियामेंट्री फीचर जो हमने अडॉप्ट किया था वो किया था हमने यूनाइटेड किंगडम से। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। द ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट, इसके बारे में कुछ जान लें। इससे भी बहुत इंपॉर्टेंट दो तीन क्वेश्चन बनते हैं। तो पहले तो इसको हिंदी में कहते हैं संसद का संयुक्त सत्र या संयुक्त अधिवेशन, और इस सत्र को सिर्फ इंडिया के राष्ट्रपति ही बुला सकते हैं। और ये सत्र किनकी अध्यक्षता में होता है, तो इसका सही जवाब है स्पीकर ऑफ द लोकसभा। जो लोकसभा के स्पीकर हैं अभी ओम बिरला जी हैं, तो उन्हीं के अध्यक्षता में ये सत्र कभी अगर बुलाया गया तो फिर होगा, और अगर वो एब्सेंट रहे तो फिर इस सत्र की अध्यक्षता डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा कर सकते हैं, और अगर वो भी वहाँ पे एब्सेंट है तो डेप्यूटी चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा करेंगे। अगर ये तीनों में से कोई भी नहीं उपस्थित हैं तो संसद का कोई भी और मेंबर अध्यक्षता कर सकता है, बजाबते उसको दोनों हाउसेस से परमिशन मिल गई हो। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये हो जाता है कि ये जो ज्वाइंट सिटिंग होती है उसको चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा कभी भी मतलब प्रेसाइड नहीं कर सकते हैं, कभी भी उनकी अध्यक्षता में ये नहीं होगा, कभी नहीं। तो चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा का हिंदी में अनुवाद होता है राज्यसभा के सभापति। फाइनेंस मिनिस्टर हो गए वित्त मंत्री, वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति, प्रेसिडेंट राष्ट्रपति। सॉलिसिटर जनरल का हिंदी मुझे नहीं मिल पाया, आप लोग अगर पता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। और इस ये जो क्वेश्चन आया है इसका आंसर भी आपको कमेंट करना है। ऐसे तीन क्वेश्चन रहेंगे इस वीडियो में, तीनों का आंसर आप कमेंट कीजिए। जो सबसे पहले सबसे सटीक आंसर देंगे उनको हम पिन कर देंगे उनका कमेंट। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि जिसका जवाब आपको देना है कि राज्यसभा के चेयरपर्सन और कौन सा पद संभालते हैं। आपके पास ऑप्शन है फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो, या फिर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं, या फिर वो इंडिया के प्रेसिडेंट हैं, या फिर इंडिया के सॉलिसिटर जनरल हैं। सही जवाब आपको कमेंट में देना है। अगला क्वेश्चन है कि यूनियन बजट को किस दिन प्रेजेंट किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि 2014 में जब BJP की सरकार आई तो उन्होंने डेट में बदलाव किए थे। इसका सही जवाब है 1 फरवरी को इसे प्रेजेंट किया जाता है। और 1 फरवरी को प्रेजेंट जब किया जाता है तो उसके बाद ये लागू तो होता है 1 अप्रैल से। अगर ये जो भी प्रपोजल्स प्रेजेंट किए जाते हैं यूनियन बजट में अगर वो पास हो गए पार्लियामेंट से तो वो लागू होंगे 1 अप्रैल से, और वो वैलिड रहते हैं 31 मार्च, अगले महीने, अगले साल के 31 मार्च तक। तो यहीं से हमारा ये निकल के आता है कि इंडिया का फाइनेंशियल ईयर जो हुआ वो अप्रैल से मार्च तक होता है, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, हु प्रेजेंट्स द यूनियन बजट इन द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में यूनियन बजट कौन प्रेजेंट करते हैं। इसका जवाब आपको पता होगा कि हमारे जो वित्त मंत्री होते हैं वो यूनियन बजट को प्रेजेंट करते हैं, और एट प्रेजेंट हमारे वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमन। इन्होंने अभी तक 3 बार बजट प्रेजेंट किया है। और ये जो सेकेंड पॉइंट है कि जेम्स विल्सन ने 1860 में पहली बार इंडिया का बजट प्रेजेंट किया था, ये BHU के आई थिंक 2018 के क्वेश्चन एंट्रेंस एग्जाम के क्वेश्चन में आया था, तो इस फैक्ट को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि हमारा जो यूनियन बजट है वो पेपरलेस कब हुआ। आपको पता होगा कि
कुछ सालों तक वो बही खाता कहते थे जो प्रेजेंट करने ले जाती थी निर्मला सीतारमण एक लाल कपड़े में। लेकिन 2021 के बजट में, जैसा आप ये पिक्चर में देख पा रहे होंगे, वो लाल रंग के इस इनवेलप टाइप जो है उनके हाथों में, उसके अंदर एक टैबलेट है, कोई कागज़ नहीं है, वो एक टैबलेट है और उसी में हमारा बजट था। तो इसका सही जवाब है कि 2021 का जो यूनियन बजट था वो पहली बार पेपरलेस हुआ, इंडिपेंडेंस से अभी तक पहली बार ऐसा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि बजट के तहत किस स्टेट या यूनियन टेरिटरी में सेंट्रल यूनिवर्सिटी का निर्माण होने वाला है। इसका सही जवाब है लद्दाख। लद्दाख की लोकेशन आप इस मैप में देख सकते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन है जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है, और ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। पहला क्वेश्चन जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है ना, वो भी लास्ट वीडियो में डिस्कस हो गया था। तो अगर आपको ये दोनों क्वेश्चन में कोई डाउट है तो पिछली वीडियो को जाके चेक कीजिए। ये क्वेश्चन है कि इंडिया में कितने स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं, भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगला क्वेश्चन है कि जो हमारी जनगणना होने वाली है वो डिजिटली कराई जाएगी इस बार, हर बार पेपर पे कराई जाती थी, तो ये जनगणना कितनवी नंबर जनगणना है। तो आपके पास ऑप्शन है 7th, 16th, 8th या 21st। इसका सही जवाब है 8th, और अभी जो हमारी जनगणना 2011 में हुई थी वो 7th थी, और वो इंडिपेंडेंस के बाद 7th थी, और इन जनरल अगर देखा जाए ओवरऑल में तो 15th थी। और पहली बार सेंसस कराया गया था 1872 में, ये भी BHU में पूछा गया है पहले। और जो पहली बार जनगणना हुई थी हमारी इंडिपेंडेंस के बाद वो हुई थी 1951 में। 2011 के जनगणना के बारे में एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि इसमें पहली बार बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि यूनियन बजट के अनुसार जो सीवीट पार्क स्टैब्लिश किया जाने वाला है वो किस राज्य में स्टैब्लिश किया जाएगा। ऑप्शंस हैं उड़ीसा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, और इसका सही जवाब है तमिलनाडु। और ये स्टैब्लिश किया जा रहा है ताकि सीवीट कल्टीवेशन को थोड़ा बढ़ावा मिल सके। सीवीट क्या होता है? तो वो बहुत सारे स्पीसीज इसके अंदर इंक्लूडेड होते हैं, जो मरीन प्लांट होते हैं, मरीन मतलब समुद्री, या फिर एल्गी होते हैं जो समुद्र में, रिवर में, लेक में या और किसी वाटर बॉडी में ग्रो करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बजट 2021 के अनुसार जो हमारा राजकोषीय घाटा है, फिजिकल डेफिसिट, वो GDP का कितना परसेंट एस्टिमेट किया गया है। आपके पास ऑप्शन है 9.5, 7.5, 8.0, 8.5। तो इसका सही जवाब है कि 9.5% ऑफ GDP। GDP क्या होता है? तो GDP होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, फुल फॉर्म याद रखा कीजिए। और जो फिजिकल डेफिसिट होता है वो होता है कि जो हमारी सरकार है उसने उन्होंने कितना खर्च किया और उस खर्च के एवज में उनको कितना प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट भी नहीं, कितना उनको वापस मतलब इनकम कितना हुआ। तो जैसे एक एग्जांपल देती हूँ, ऐसे ही कुछ साल पहले ये न्यूज़ में आया था कि रेलवे जो है, भारतीय रेलवे, वो हर 100 रुपया कमाने के लिए 111 रुपया खर्च करती है। तो समझ रहे हैं, हर 111 रुपये में 11 रुपये का घाटा हो रहा था रेलवे को। तो वैसा ही होता है फिजिकल डेफिसिट। तो निर्मला सीतारमण जी ने कहा था बजट के दौरान कि ऐसे व्यक्ति, ऐसे बुजुर्ग व्यक्ति जिनका इनकम का सोर्स बस बस पेंशन और इंटरेस्ट है, उनको ITR फाइल नहीं करना पड़ेगा। और ये कितने वर्ष के ऊपर के बुजुर्गों के लिए था? तो इसका जवाब सही जवाब है कि 75 वर्ष के ऊपर के बुजुर्गों के लिए ये नया नियम लाया गया है। अगला क्वेश्चन है कि बजट 2021 के तहत किनको डबल टैक्सेशन से बचाया गया है। आपके पास ऑप्शंस हैं इंडियन सिटीजन्स, NRI, फॉरेनर्स या सीनियर सिटीजन्स। सही आंसर है NRI। NRI का फुल फॉर्म होता है नॉन रेसिडेंट इंडियन, और NRI डे यानी प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को। और ये मनाया जाता है क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी लौटे थे साउथ अफ्रीका से, और ये दिन हम सेलिब्रेट करते हैं NRI, जो हमारे NRI हैं उनके कंट्रीब्यूशंस, जो डेवलपमेंट ऑफ इंडिया में उन्होंने अपना योगदान दिया है उसको हम सेलिब्रेट करते हैं इस दिन। अगला क्वेश्चन है कि RBI, FMC, SBI, NABARD, ये सब में से किनको चुना गया है गोल्ड का रेगुलेटर। इसका सही जवाब है सेबी। सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया।
और आरबीआई का फुल फॉर्म हो गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, तो आप स्टडी कैपिटल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नेक्स्ट क्लास आप अटेंड कर पाएँ। और नबार्ड का फुल फॉर्म हो गया नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, तो इसको गोल्ड के लिए तो नहीं ही चुनते। और एफएमसी को मर्ज कर दिया गया था सेबी से 2015 में, ये फैक्ट बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है। अच्छा, मैलिएबल का मतलब होता है पीटने से बढ़ने योग या आघात वर्धनीय। कॉइनेज मेटल का हिंदी में, कॉइनेज मेटल को हिंदी में कहते हैं सिक्का धातु। प्योर स्टेट का हो गया शुद्ध अवस्था। तो इससे एक क्वेश्चन है कि जो गोल्ड है अपना, जो सोना है, उसके रिगार्डिंग इसमें से कौन से स्टेटमेंट्स ट्रू हैं। तीन स्टेटमेंट है आपके पास, ट्रू और फॉल्स आपको बताना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। पहला स्टेटमेंट है कि ये सबसे मैलिएबल धातु है, सबसे, देखें मोस्ट लिखा हुआ है। और दूसरा क्वेश्चन हो गया कि ये प्योर स्टेट में भी पाया जाता है। नॉर्मली हमें कोई भी एलिमेंट मिलता है, कोई भी मेटल मिलता है, तो उसको कितने स्टेजेस से पास करा के उसको प्योर करते हैं ना। लेकिन सेकंड स्टेटमेंट है कि क्या गोल्ड प्योर, मतलब गोल्ड प्योर स्टेट में मिलता है कि नहीं। और थर्ड स्टेटमेंट है कि क्या हम गोल्ड को कॉइनेज मेटल में इंक्लूड करते हैं कि नहीं। हमारे पीरियोडिक टेबल में तीन मेटल को कॉइनेज मेटल कहते हैं, क्या गोल्ड उनमें से एक है। इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में नीचे दीजिएगा। अच्छा, आपके स्क्रीन पे जो ये जो क्वेश्चन है, ये लास्ट ईयर के बीएचयू बीए के एंट्रेंस एग्जाम में आया था। ये क्वेश्चन, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये लास्ट ईयर का करंट अफेयर था इसलिए ये आया था। तो इस क्वेश्चन से हमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें पता चलती है। वैसे आप लोगों के पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है ना, अगर नहीं है तो कम से कम 2019 और 2020 का क्वेश्चन पेपर आप कहीं से भी जुगाड़ कीजिए। और अगर आपको कहीं से नहीं मिल रहा है तो मैं कहूँगी कि आप जाके बीएचयू स्टडी कैपिटल की ऐप को डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा। और उसमें आपको बस रजिस्टर करना है, आपको मतलब फ़ी पेमेंट नहीं करनी है, आपको बस अपना नंबर देना है, तो आप एलिजिबल हो जाएंगे कुछ फ्री कंटेंट के लिए। जैसे देख रहे हैं ये फ्री कंटेंट, तो इसमें आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा 2018 और सॉरी 2019 और 2020 का। तो ये जो क्वेश्चन पेपर है, ये दोनों आप डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में भी जब हम डिस्कस करेंगे तो आपको अगर क्वेश्चन पहले से पता हो तो बेटर होगा। और मेरा तो ऐसा मानना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अगर आप 2020 और 19 का ही कम से कम देख लें तो आपको एग्ज़ाम का बहुत आइडिया मिल जाएगा, क्योंकि 2019 में पैटर्न चेंज हो गया था। तो 18 और 17 वाले, ये जो भी बातें हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में, पर अगर आपको क्वेश्चन पेपर चाहिए तो बीएचयू स्टडी कैपिटल के ऐप को डाउनलोड कीजिए, वहाँ पे आपको फ्री में ये क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे। चलिए वापस आते हैं हमारे क्वेश्चन पे कि ये जो लास्ट ईयर का क्वेश्चन था, तो इससे हमें तीन चीज़ें पता चल रही है। वो तीन चीज़ें ये हैं कि बजट से भी क्वेश्चन आते हैं 2019 के एग्ज़ाम में या उससे पहले के एंट्रेंस एग्ज़ाम में। बजट से क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे थे, मतलब बजट के डाटा से क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे थे। और सेकंड ये है कि डाटा बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। और थर्ड ये है कि बीएचयू चाहता है कि आप थोड़ा डिटेल में जाने चीज़ों को। जैसे क्वेश्चन में एक वर्ड था प्रपोज्ड, तो वो प्रपोज्ड वर्ड इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब 1 फरवरी को बजट, हमने तो अभी पढ़ा ना पहले, 1 फरवरी को जब बजट पेश किया जाता है तो उस दिन बस चीज़ों को प्रपोज किया जाता है। अगर वो चीज़ें पास होती है तो वो 1 अप्रैल से अगले साल के 31 मार्च तक लागू की जाती हैं, तो मतलब वो चीज़ें वैलिड रहती हैं। तो फिर थोड़ा चीज़ों को आप समझ समझ के पढ़िए, ठीक है। ठीक है, अब आपके पास मैं 5 फैक्ट लाने वाली हूँ, 5 फैक्ट बजट से रिलेटेड, जो वैसे तो उतने इम्पोर्टेंट नहीं हैं, लेकिन फिर भी चूंकि अब डाटा बेस्ड क्वेश्चन बजट से पूछे जा रहे हैं तो मैं चाहूँगी कि आप अगर याद ना रखें तब भी एक जनरल आइडिया अपने दिमाग में बैठा के रख लें इनके बारे में। तो ये 5 फैक्ट में से पहला फैक्ट है कि डायरेक्ट टैक्स असेसमेंट को का रीओपनिंग टाइम 6 साल से घटा के 5 साल कर दिया गया है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की लिमिट 49% से बढ़ा के 74% कर दी गई है इंश्योरेंस के केसेस में। और 7 मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क खुलने वाले हैं 3 साल के अंदर। फिर है कि वॉलंटरी व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी एक लाई गई है जिसमें ऐसी पुरानी और पॉल्यूशन करने वाली व्हीकल को जो है उनको स्क्रैप कर दिया जाएगा, उनको मतलब यूज़ में नहीं रखा जाएगा। और
इसमें 15 साल के बाद जिस दिन गाड़ी गाड़ी खरीदी जाएगी उससे 15 साल के बाद उस गाड़ी की फिटनेस देख चेक की जाएगी कॉमर्शियल यूज़ के लिए। और चूंकि अब टाइम बीत चुका है, बजट आए हुए काफ़ी टाइम हो गया है, तो अब हमें पता है कि ये जो प्रपोजल था ये एक्सेप्ट कर लिया गया है और मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज इसको इम्प्लीमेंट कर रही है। अगला पॉइंट है कि 23 लाख करोड़ इंडियन रुपीज़ अलॉट किया गया है हेल्थ एंड वेलबींग के लिए बजट में। तो इंडिया, अच्छा, हर्षवर्धन, डॉक्टर हर्षवर्धन के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे। ये हमारे भारत के साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर हैं, अर्थ साइंसेज के मिनिस्टर हैं, और सबसे इम्पोर्टेंटली ये हमारे हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ऑफ इंडिया के मिनिस्टर हैं। अच्छा, यहाँ पे हमने न्यूज़ में बहुत देखा है कि जैसे आप BHU का जब एंट्रेंस एग्ज़ाम भी देने आएंगे तो आपको कुछ SOP दी जाएगी, तो वैसे ही न्यूज़ में आता रहता है कि कोरोना वायरस से रिलेटेड की गवर्नमेंट ने नए SOP जारी किए। तो ये गवर्नमेंट कौन है और ये SOP क्या होता है? तो ऐसे न्यूज़ में जो गवर्नमेंट का वर्ड होता है वो यूज़ किया जाता है हमारे यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री के लिए, यानी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, जिनके मिनिस्टर हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। और जो SOP हो गया उसका फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। आपको कुछ कुछ फुल फॉर्म भी ऐसे याद रखना चाहिए। अगर टाइम रहा तो फिर मैं आने वाली वीडियोज़ में तो डिस्कस करूँगी ही कुछ इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स। और नेक्स्ट वीडियो में हम RBI, ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस, स्टॉक मार्केट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ये सब को डिस्कस करेंगे। तो आप BHU स्टडी कैपिटल को जाके अभी के अभी सब्सक्राइब कीजिए। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।